नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक समय था जब माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम भी जिस जमीन पर चल जाए कब्जा तो दूर, लोग पैर रखने से भी डरते थे। और एक आज का समय है जब लोग उससे मुक्त कराई जमीन पर घर बसाने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है प्रयागराज के लूकरगंज में। यहाँ अतीक अहमद से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो जमीनें मुक्त कराई है उनमें 76 मकान बनाने जा रहे हैं। इसी के साथ इन मकानों की नीलामी के लिए पहले से आवेदन भी मांग लिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। आश्चर्य की बात तो ये है कि अतीक के खौफ से बाहर निकलकर करीब 6000 लोगों ने इन 76 मकानों के लिए आवेदन भी कर दिया है। दरअसल इनमें से 903 लोगों को पात्र भी मान लिया गया है, लेकिन मकानों की संख्या महज 86 है। इसलिए अतीक की जमीन पर बनने वाले इन मकानों पर परिवार बसाने का सपना देखने वाले इन 903 लोगों को लॉटरी में शामिल होना होगा। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पिछले दिनों अतीक अहमद से काफी जमीनें मुक्त कराई थी। ये वो जमीन है जिन्हें अतीक अहमद ने अपने आपराधिक गतिविधियों के दम पर जुटाई थी। अब इन जमीनों पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भवन बनाकर बेचने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इन सभी भवनों को खरीदने के लिए कुल 6000 लोगों ने इच्छा जताते हुए आवेदन किया था। इनमें से करीब 5000 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं जो 903 आवेदन स्वीकार हुए हैं उन्हें लॉटरी के लिए रख लिया गया है। इन 86 भवनों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य तो पीडीए कर रहा है, लेकिन इसमें फ्लैट खरीदने वालों को चयनित करने की जिम्मेदारी डूडा यानी जिला अर्बन विकास एजेंसी को दी गई है। डूडा के अधिकारियों के मुताबिक इस आयोजन के तहत कुल 6030 आवेदन आए थे। इनमें से 85% आवेदन निरस्त हुए। पीडीए सचिव अजीत कुमार सिंह के मुताबिक अब 903 लोगों की लॉटरी निकाली जाएगी। ये जमीन करीब 1731 वर्ग मीटर है। पीडीए ने इसमें दो ब्लॉक बना भी लिए हैं। इसमें ग्राउंड प्लस 3 मंजिल के भवन बनने हैं। इसमें ब्लॉक ए में 36 फ्लैट होंगे, जबकि ब्लॉक बी में कुल 40 फ्लैट रखे गए हैं। इस जमीन को साल 2021 में ही राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।